आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो जो है वो ऑल टाइम हाई है और 681 यूएस बिलियन डॉलर्स ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। ये बदलता भारत है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं जैम की, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, आज 55 करोड़ लोग हमारे अकाउंट होल्डर्स हो गए, 55 करोड़, और 55 करोड़ का मतलब यह होता है कि लगभग मोर देन यूरोपियन यूनियन के पॉपुलेशन से जिनको जोड़ने का काम किया है और उनको हम लोग आगे लाने का काम हमने किया है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपके ध्यान के लिए लाना चाहता हूं, जब मोदी जी ने मोबाइल और आधार के साथ जन आधार ये इसको जोड़ा अपने अकाउंट होल्डर्स को और सीधा पैसा उनको देना शुरू किया स्ट्रेट डायरेक्ट, उसका फायदा यह हुआ कि 25 करोड़ बहनों को कोरोना के दौरान 5-500 रुपए सीधा अकाउंट उनके खाते में गया, यह परिवर्तन आया। लेकिन मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, याद करिए, आप भूल गए होंगे, कांग्रेसी क्या बोलते थे, भारत में तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, मोबाइल तो अनपढ़ चलाता ही नहीं है, ये जनधन योजना कैसे चलेगी, ये मोबाइल से कैसे होगा काम, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलते थे कि नहीं। आज आप मार्केट में जाओ, किसी गांव में सब्जी वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है, सब्जी वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। इसके सामर्थ्य को पहुंचाने का, पहचानने का काम किया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज 6,94,00,000 ब्रॉडबैंड यूजर्स हो गए, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में भी भारत की छवि में परिवर्तन आया है, दुनिया में। अब आपके सामने देखिए, पाकिस्तान से बॉर्डर आपका लगता है, हम सबका लगता है, और बार बार पाकिस्तान की चर्चा होती है। मैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में जो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दृष्टि से जो बात हम डिप्लोमेटिक भाषा में कहते हैं, वो डिप्लोमेटिक भाषा में आज से 10 साल पहले सारी दुनिया जब भी बात करती थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर आपको याद होगा तो कोई भी इंटरनेशनल लीडर आता था तो या तो वो पहले पाकिस्तान लैंड करता था फिर इंडिया आता था, या इंडिया से जाते समय पाकिस्तान होकर के जाता था, जैसे उसने बराबरी में देखा था, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये हाइफनेशन था। अगर इंडिया का नाम लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, डिप्लोमेटिक भाषा में पाकिस्तान का नाम लेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता, इंडिया इज इंडिया एंड पाकिस्तान जहां रह गया वहां रह गया। पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका, क्या बात करते थे, टेररिज्म, इसी की बात करते थे, पड़ोस में मुसीबत है, पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है। आज मोदी जी जाते हैं विदेश में और अमेरिका में तो आज क्या बात करते हैं, आज बात करते हैं भारत के साथ व्यापार की, आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, आज बात करते हैं टेक्निकल नो हाउ की, आज बात करते हैं स्पेस एरिया में हम लोग मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी बात करते हैं। और आज पाकिस्तान कहां रह गया, प्रधानमंत्री मोदी जी क्वाड की बैठक में बाइडेन के सामने बैठ करके भारत और मानवता के पक्ष को कहते हैं, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा फर्क हम लोगों को देखने को मिला है और जानने को मिला है। G20 हुआ यहां पर, आपने देखा, सब आपके आंखों के सामने था, दुनिया भर के नेता आए थे। लेकिन G20 पहले कभी कोई हमारे यहां कार्यक्रम होता था तो वो नई दिल्ली तक सीमित हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 को देश का इवेंट बना दिया, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह G20 की बैठक की और देश के कोने कोने तक हमारे लोग पहुंचे, अब दुनिया के लोग पहुंचे, इस बात को भी हमने देखा। G20 इसके पहले इंडोनेशिया में भी हुआ था लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। G20 कहीं और भी हुआ था लेकिन अगर भारत की धरती पर G20 हुआ
तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ हुआ और सब लोग एक सहमति से आकर के उसमें जुड़े, इस बात को भी समझना चाहिए। और अफ्रीकन नेशंस को सदस्यता दिलाने का नेतृत्व किसी ने किया तो वह भारत ने किया, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए G20 के दृष्टि से भी बहुत उस तीव्र गति से उस काम को, यानी G20 को भी भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के पक्ष के साथ साथ भारत का स्थान स्थापित करने में उस G20 में मोदी जी के नेतृत्व ने बहुत बड़ा काम किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना।